हाँ जी करें शुरू। चलो भाई आज से एंशंट अर्ली मिडिवल मिडिवल ठीक है ये क्वेश्चन करने हैं हमें, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर और जनरल नॉलेज रिगार्डिंग इंडिया। ठीक है तो एंशंट प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री हिस्ट्री सब कवर करने हैं। क्लास में भी हमने प्री हिस्ट्री इंडस वैली और उसके बाद जो भी हिस्ट्री है सब कवर किया है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पेलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया। पेलियोलिथिक साइट्स के बारे में बताइए, इनमें से कौन कौन सी जो है वो भाई पेलियोलिथिक साइट है। पल्लावरम, हंसगी वैली, भीमबेटका। पल्लावरम, हंसगी वैली, भीमबेटका। ठीक है चलिए पल्लावरम बता ही देता हूँ, चेन्नई में है। हंसगी वैली कर्नाटका में है और भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है कुछ याद करिए कि इसमें से कौन सी पेलियोलिथिक साइट्स हैं या सारी ये पेलियोलिथिक साइट्स हैं। ठीक है चलिए आंसर तो है तीनों ही ये पेलियोलिथिक साइट्स हैं। पल्लावरम चेन्नई होगी, साथ में है अथीरापकम, गुड़ियम। ठीक है ये सब तीनों ही चेन्नई के आसपास हैं, पल्लावरम, अथीरापकम, गुड़ियम। पल्लावरम में तो पहला हैंड एक्स फर्स्ट पेलियोलिथिक टूल डिस्कवर्ड इन इंडिया। हंसगी वैली कर्नाटका, भीमबेटका मध्य प्रदेश। भीमबेटका में आपकी मीसोलिथिक ठीक है ये भी है। भीमबेटका नॉट ओनली पेलियोलिथिक बट ऑल्सो मीसोलिथिक, क्योंकि जो पेंटिंग्स हैं उसमें जो मेजॉरिटी पेंटिंग्स हैं वो मीसोलिथिक टाइम पीरियड की हैं। ठीक है तो ये याद रखना, हमने लिस्ट भी ये देखी हुई है। ठीक है लिस्ट भी हमारे पास ही थी। ठीक कि कौन सी पेलियोलिथिक है, कौन सी नियोलिथिक है, कौन सी मीसोलिथिक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना। ठीक है भीमबेटका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीसोलिथिक साइट भी है। ऐसा नहीं होता कि कोई साइट सिर्फ पेलियोलिथिक ही है, वो मीसो नहीं हो सकती, वो नियो नहीं हो सकती। अगर तीनों ही स्टोन एजेस के फीचर्स दिखाई देते हों तो हो ही सकता है। ठीक है चलो आगे, विच प्री हिस्टोरिक पीरियड मार्क द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। ईजी है, इस स्टोन एज पीरियड के साथ शब्द लगता है रेवोल्यूशन। ठीक है क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई, सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गई, एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन उनको पालना ठीक है स्टार्ट हो गया। तो लगाइए दिमाग के क्या है। ठीक है टाइम पीरियड भी अगर मैं बता दूं, लगभग 10,000 बीसी से 5,000 बीसी, तो भाई ये तो देख के पता चल जाएगा नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज। ठीक है दो तीन आप फीचर्स मान के चलते हैं नियोलिथिक एज के। पहला हो गया एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन, सेटल्ड लाइफ और पॉटरी मेकिंग। ठीक है पॉटरी मेकिंग, ठीक बहुत ही रिफाइंड पॉटरी मेकिंग एक तरह से चले। ठीक है याद रखना, इसको नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। सबसे पुराना है पेलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज, देन वी हैव मीसोलिथिक मिडिल स्टोन एज एंड देन नियोलिथिक न्यू स्टोन एज, दैट इज 10,000 बीसी टू 5,000 बीसी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। स्क्रिप्ट ठीक है लिपि, मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट इज पिक्टोग्राफिक इन नेचर। स्क्रिप्ट वॉज मोस्टली रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्क्रिप्ट आर येट टू बी डिसाइफर्ड। हड़प्पन कल्चर को लेकर जो भी हमने वहाँ पर स्क्रिप्ट ठीक है कोई
पत्थर के ऊपर कुछ साइंस वगैरह देखे हैं, और हमें तो है कि वो पढ़ना लिखना जानते थे, तो उनकी वो स्क्रिप्ट है। बताइए कि क्या वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, और लेफ्ट टू राइट ही लिखते थे मोस्टली, और इस स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा भी नहीं गया, डिसाइफर नहीं किया गया, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पिक्टोग्राफिक ही है भाई स्क्रिप्ट, ठीक है ना, जिसको आप पिक्टो सिलेबल भी बोल सकते हैं, और मोस्टली रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये गलत है। मोस्टली वाली कोई ऐसी बात है नहीं, दोनों तरफ ही लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट आल्सो, राइट टू लेफ्ट आल्सो, ठीक है, जिसको वो बोस्त्रो फेडॉन स्क्रिप्ट भी बोल देते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अभी तक हमने हड़प्पन स्क्रिप्ट को कैसे क्या लिखा है, क्या पढ़ना है, वो नहीं हमें पता, ठीक है ना। तो ये इसमें से स्टेटमेंट सही हो गई आपकी, वन एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली, ठीक। चले आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज और आर प्रिवेलेंट इन हड़प्पन टाउन्स, हड़प्पन टाउन्स, फोर्टिफिकेशन, ग्रिड पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम। करिए आंसर, इजी है, इजी क्वेश्चन है, आज तो सारे क्वेश्चन ही लगभग मैं समझ रहा हूँ कि इजी वाले लेवल के ही हैं, तो आने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि सिटीज के आसपास एक ऊंची दीवार, एक प्रोटेक्टिव वॉल आपको दिखाई देती है। ग्रिड पैटर्न आपको पता है कि, ठीक है, इस तरह से राइट एंगल्स के ऊपर ये जो सड़कें हैं, ठीक है, एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है, ऐसे तो अच्छे से बना लेते हैं। चौक है चंडीगढ़ की तरह, राइट एंगल पे कट करती है, ग्रिड पैटर्न और ड्रेनेज सिस्टम, तीनों ही चीज़ें हैं। मेन मेन सिटीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, लोथल है, हड़प्पा हो गई, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, सब सिटीज हैं, धौलावीरा कहाँ कहाँ है ये भी पता होनी चाहिए, सुरकोतड़ा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुरानी जो है कोट, डीजी, अमरी, यहाँ जितनी भी आप साइट्स उठा लें, ऐसा नहीं है कि हर एक सिटी में ही आपको ये सारे फीचर्स दिखाई देंगे, ऐसा नहीं पूछा हुआ उन्होंने, हड़प्पन सिटी नहीं पूछी, ओवरऑल हड़प्पन जो भी कल्चर के अंदर या सिविलाइजेशन के अंदर जो टाउन्स हैं उनके बारे में पूछा, ओवरऑल फीचर्स ही पूछे हड़प्पन सिटीज़ के, तो तीनों ही फीचर्स हैं, तो आप भूलना मत, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पन साइट, इसमें से हड़प्पन साइट कौन सी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पन साइट कीजिए, हमने क्लास में किया हुआ है और तब भी ये सवाल कहीं ना कहीं से आया ही था। क्या आंसर करेंगे आप, जल्दी बताइए। देखिए चानू दाड़ो भी है, कोट डीजी भी है, देसालपुर भी है, सहगौरा नहीं है, ये यूपी में है, और यहाँ हमें एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिली है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो लगभग 3rd century BC के आसपास की है, ठीक।
ठीक है, 3rd century BC। इसका इंडस वैली के साथ कोई लेना देना नहीं है। यूपी में ब्रह्मी स्क्रिप्ट में है, याद रखना ब्रह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, इंडस वैली के बहुत ज़्यादा बाद की बात है, ठीक है, कम से कम 1500 साल बाद की बात है। ठीक है जी, देखिए सहगौरा को लेकर ये तो कंट्रोवर्सी है कि ये क्या अशोकन टाइम की है, कई कहते हैं प्री अशोकन टाइम की है, बट फिर भी आप ये तो आप मान के चलें कि ये कोई हड़प्पन साइट नहीं है, ठीक है ना। मौर्यन हो सकती है, प्री मौर्यन हो सकती है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, गुड इवनिंग लवप्रीत, गुड इवनिंग। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, एंशियंट सिटी है और साथ में उसकी कोई रिवर है, हड़प्पा रावी, मोहनजोदाड़ो इंडस, लोथल माही। बताइए कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, इजी सवाल है, ज्यादा मुश्किल सवालों में नहीं है ये। ये सही है भाई, पाकिस्तान में साहिवाल जिला उसी के अंदर है आपका, हड़प्पा रावी के ऊपर, मोहनजोदाड़ो बिल्कुल सही है इंडस के ऊपर, लोथल माही पे नहीं है। लोथल भोगाव या साबरमती आप बोल सकते हैं, ठीक है। भोगाव तो बिल्कुल ही सेट आंसर दे दिया है आपने, अगर भोगाव ना हो तो साबरमती भी सही है, ठीक है ना। 1 and 2। Which of the following statements is or are correct about pottery development in Harappan civilization? ठीक है, थोड़ा मुश्किल सवालों में रहता है पॉटरी को लेके। Both plain and painted pottery was developed in Harappan cities. Okay, most of the potteries have been found are being handmade. अच्छा, हाथ से ही बनाते थे। बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। गुड इवनिंग डिम्पल, गुड इवनिंग। इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। आपके लिए आसान कर दूं, एक स्टेटमेंट तो गलत है, एक सही है, चलो आप इतना तो अब आंसर कर ही सकते हैं, ठीक है ना। बोथ प्लेन एंड पेंटेड पॉटरी वॉज डेवलप्ड इन हड़प्पन सिटीज, मोस्ट ऑफ द पॉटरीज हैव बीन फाउंड आर बीइंग हैंडमेड। हैंडमेड का मतलब यहाँ पर यह है कि वो व्हील का यूज नहीं करते थे, ठीक है ना, व्हील का, पहिए का इस्तेमाल नहीं करते थे, इसका मतलब ये है। लेकिन हड़प्पन जो लोग थे पॉटरी बनाने के लिए ना, वो व्हील का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट ही सही है, ए ओनली। लवप्रीत, ए आंसर है इसका। हैंडमेड का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आमतौर पर तो वो कोई मशीन नहीं इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे मतलब है कि क्या वो बिल्कुल ही इसमें किसी तरह की कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं करते थे। आखिरकार पहिया और उसके ऊपर पॉटरी बनाना है तो वो एक रूडिमेंट्री लेवल का मैकेनाइजेशन ही, ठीक है, तो वो व्हील इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, प्लेन और पेंटेड दोनों ही थे। चलिए, हड़प्पन्स कैरीड आउट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड एक्सटेंसिवली। ओके, हड़प्पन सील्स हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामियन सिटीज शोज देयर इज मेटालिक मनी इन सर्कुलेशन। अच्छा, कोई मेटालिक मनी इन सर्कुलेशन, इसका मतलब ये है कि जो हड़प्पन सील्स थी वो क्या मेटालिक मनी थी। जी नहीं, हड़प्पन सील्स कोई मनी नहीं था, ठीक है, वो ट्रेड की
जो हम बोलते शुद्धता, उसके छेड़छाड़ तो नहीं पैकेज के साथ उसके लिए इस्तेमाल होती थी, और इनका कोई रिलीजियस पर्पस भी हो सकता था। इसीलिए इसमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो तो एक ही है, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, अब एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में आपको पता है, मेसोपोटामिया है उसके साथ इनके व्यापार थे, इजिप्ट, ठीक है, उसकी सभ्यता के साथ इसके अच्छे खासे व्यापार थे, सुमेर इराक की सभ्यता उसके साथ भी व्यापार था, चाइनीज कल्चर सिविलाइजेशन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं था। ये सवाल भी आ सकता है कि क्या हड़प्पन का व्यापार चाइना के साथ था? नहीं था, याद रखना नहीं था, हमें सबूत नहीं मिले इस तरह के कोई, कल को मिल जाए तो कह नहीं सकते। अच्छी कुप गल्लू पिकली हल तेकल कोटा, ये क्या है भाई? ये तीन जो नाम है जगह है, कुप गल्लू पिकली हल तेकल कोटा, क्या ये अशोकन इंस्क्रिप्शंस जगह है जहां पर इंस्क्रिप्शंस है अशोका की, या कोई अर्ली रॉक पेंटिंग्स की बात है, सेक्रेड ग्रूव्स हैं मतलब जंगल है, कोई एंशियंट केव टेंपल्स हैं? बताइए भाई इसमें से क्या आंसर आपको लग रहा है। गल्लू तेलंगाना है, ठीक है, पिकली हल और तेकल कोटा कर्नाटका है, ये भी आप अब लिखते जाएं, बताइए कि ये क्या है? आपने कहा डी केव टेंपल्स हैं, अर्ली रॉक पेंटिंग्स हो सकता है, तो अर्ली रॉक पेंटिंग्स ही हैं, ठीक है, यही है भाई। देखिए एक बात और नोट कर लीजिए, आर्किबोल्ड कार्लाइल, ही डिस्कवर्ड द अर्लीस्ट रॉक पेंटिंग्स, ठीक है ना, अर्लीस्ट रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया, इवन बिफोर द डिस्कवरी ऑफ अल्टामीरा केव पेंटिंग्स इन स्पेन। अल्टामीरा के पेंटिंग्स इन स्पेन, ठीक है, ये बहुत ही मशहूर है पूरी दुनिया में, यहां जब डिस्कवरी हुई उससे कोई 10 साल पहले इंडिया में डिस्कवरी हो चुकी थी रॉक पेंटिंग्स की, ठीक है ना, रॉक पेंटिंग्स की डिस्कवरी इंडिया में हो चुकी थी। ठीक है, कौन कौन सी और जगहें मशहूर हैं? एक तो भीमबेटका है, एक लखुदियार है उत्तराखंड में, लखुदियार इन उत्तराखंड, लखुदियार इन उत्तराखंड, नोट कर लो ये सारी चीजें जो एडेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना, भीमबेटका का भी मैंने बोली दिया एमपी में, और एमपी में एक और भी है जोगी मारा केव्स, ठीक है, जोगी मारा केव्स, वो भी एमपी ही है। तो ये सारी की सारी रॉक पेंटिंग्स के लिए मशहूर है साइट्स, कुप गल्लू पिकली हल टेकल कोटा लखुदियार उत्तराखंड जोगी मारा एंड भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। इसके अलावा और भी बहुत होंगी, फिलहाल इतनी दिमाग में है तो याद रख लें आप। ठीक, अर्लीस्ट रॉक पेंटिंग्स, अर्लीस्ट रॉक पेंटिंग्स, ठीक है, बलकशां माइंस प्रेजेंट डे इट इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडस वैली के लोग अफगानिस्तान की बदखशान माइंस से इनमें से क्या लेकर आते थे, ये सवाल है सीधा सीधा। तो
बताइए। आपने कहा सी डायमंड, नहीं भाई, लपीज लजुली, ये एक डार्क ब्लू कलर्ड सेमी प्रेशियस स्टोन होता है, ब्लू कलर, ठीक है। और ये लेके आते थे आपके इंडस वैली के भाई लोग अफगानिस्तान से, मालाएं बनाते थे ना, लैपिडरी इंडस्ट्री बहुत मशहूर है इंडस वैली की, लैपिडरी इंडस्ट्री, ठीक है ना, माला वगैरह बनाते हैं स्टोन्स को, ठीक है, तराश के। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ज्योग्राफिकल आउटरीच ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, बताइए नॉर्थ में सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा मानते हैं हम इंडस वैली का, नील रतन भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। वेस्ट में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है? अच्छा, ईस्ट तो इन्होंने पूछा है, नॉर्थ भी पूछा है। आलमगीरपुर फॉर्म्स द बाउंड्री इन द ईस्ट, क्या ये बात सही है, आलमगीरपुर इन यूपी? ये स्टेटमेंट तो सही है। नॉर्थ में तो भाई जम्मू के अंदर है, ठीक है, जम्मू के अंदर है मांडा, दैमाबाद, और वेस्ट में है आपका सुक्ता जिंडोर। तो वेस्ट वाला इन्होंने नॉर्थ में लिख रखा है, यहां तो स्टेटमेंट गलत हो गई, यहां या तो मांडा आना था या फिर यहां वेस्ट कर देते, ठीक है ना, इसीलिए टू ओनली सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है। ये बहुत ही आसान सवालों में से सवाल है कि आपको ज्योग्राफिकल जो भी उसकी बाउंड्रीज हैं, नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न शहर हैं, वो पता होने चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पेलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया। पेलियोलिथिक बुरजाहोम पेलियोलिथिक साइट है कश्मीर में, फर्स्ट पेलियोलिथिक टूल फाउंड नियर चेन्नई 1863। ये तो मैं अभी बता के हटाऊं, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था जिसको हम बोलते हैं ना पल्लावरम हैंड एक्स, पल्लावरम, वो तो अब सही है, ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्रूस फूट, इस बंदे ने ढूंढा था, रॉबर्ट ब्रूस फूट, एक ही बंदे का नाम है रॉबर्ट ब्रूस फूट, ठीक है। तो अब आप इसको, इसका बताइए कि क्या बुरजाहोम पेलियोलिथिक साइट है कश्मीर में? बुरजाहोम पेलियोलिथिक साइट, बताइए भाई, इजी इसको आप मान के चलें, क्योंकि मशहूर है बुरजाहोम, ये पेलियोलिथिक नहीं है, नियोलिथिक है, इतनी पुरानी नहीं है बुरजाहोम, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट ही सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बुरजाहोम एक नियोलिथिक साइट है कश्मीर के अंदर। खास बात क्या है बुरजाहोम की, कोई बता सकता है कुछ? बुरजाहोम बुरजाहोम किसके, हाँ यस बिल्कुल सही है लवप्रीत, डॉग बरीड विद डेड कॉर्प्स, ठीक है। चलो, द ओनली वेल नोन होमिनिन, द फॉसिल ऑफ इमीडिएट एंसेस्टर ऑफ होमो सेपियंस
इज फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। ये मैंने तो डिस्कस किया होगा क्लास में, ठीक है। स्कल कैप, स्कल कैप ढूंढा, ऊपर का पूरा ये खोपड़ा, ठीक है, मिला है। बताइए कहाँ से और किसने ढूंढा, ये भी आना चाहिए। किसने ढूंढा था, कहाँ पर, अरुण सोनाकिया नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने खोपड़ा ढूंढा कहाँ, हथनौरा में, मध्य प्रदेश। हथनौरा स्कल कैप फाउंड बाय अरुण सोनाकिया आर्कियोलॉजिस्ट एंड द फॉसिल ऑफ इमीडिएट, ओनली फॉसिल ऑफ इमीडिएट एंसेस्टर ऑफ होमो सेपियंस, ठीक है। जो इंडिया में जो कंकाल ढूंढा गया वो था हथनौरा, जगह है एमपी में, ठीक है। हथनौरा नर्मदा नदी के आसपास की ये बात है, ठीक है, नर्मदा रिवर। चलिए फिर आगे, नहीं पता तो कोई गल नहीं। अरेंज द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशंस साइट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ को इंडस वैली की सिविलाइजेशनल साइट्स को लगा दीजिए। रोपड़, कालीबंगा, धौलावीरा, कुंटासी, मुश्किल नहीं है। ये तो पूरी नॉर्थ हो गई पंजाब, दिस इज राजस्थान, थोड़ा नीचे आगे जाएं धौलावीरा गुजरात, और नीचे आ जाएं कुंटासी इज ऑल्सो इन गुजरात। तो भाई यही आंसर है, 1, 2, 3, 4, रोपड़, कालीबंगा, धौलावीरा, कुंटासी, सी आंसर है। ये अपनी सीक्वेंस में लगे ही हुए हैं पहले से ही, ठीक है ना। चलिए वेदास को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, और बताइए कि कौन सी फिर सही आपको लग रही है, कौन सी गलत लग रही है। द वर्ड वेद सिग्निफाइज नॉलेज एंड दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग ह्यूमंस अबाउट नॉलेज टू कंडक्ट देयर लाइफ ऑन अर्थ। वेदास वर इनिशियली हैंडेड डाउन ओरली बाय जनरेशंस टू जनरेशंस। पढ़िए और करिए इसका आंसर। दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं, इसमें अब कोई डाउट होना नहीं चाहिए। वेद शब्द का मतलब नॉलेज ही होता है, क्योंकि वेद शब्द बना है विद, विद्या, नॉलेज, ठीक है ना। और ये तो बात बिल्कुल सही है कि ह्यूमंस धरती पे कैसे अपनी ज़िंदगी जिए उसको लेकर, ठीक है, एक तरह से गाइडलाइंस है। और इनिशियली हैंडेड डाउन ओरली जनरेशंस टू जनरेशंस। देखिए वैदिक लिटरेचर को आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, श्रुति लिटरेचर एंड स्मृति लिटरेचर, ठीक है। श्रुति का मतलब होता है विच इज़ टू बी हर्ड, जिसको सुना जा सके। तो ओरली ऋषि मुनि बोलते थे डिसाइपल्स को, वो आगे फिर ऐसे जनरेशंस टू जनरेशंस पास होते गए। और दूसरे थे स्मृति लिटरेचर, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाएंगे। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि श्रुति लिटरेचर में कौन कौन सा जो है वो कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, और स्मृति में कौन से आते हैं। स्मृति का मतलब होता है विच इज़ टू बी रिमेम्बर्ड, जिसको याद रखा जाए। तो इसके ऊपर सवाल आएंगे। श्रुति लिटरेचर एक तो पता चल ही गया, वेदास, समिताज, ठीक है। चलो बाकी आप देखें कि कौन कौन से हैं श्रुति में, कौन से हैं स्मृति में।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अरण्यकास। ठीक है, तो अगर आपको इस वर्ड के बारे में ही नहीं पता तो अलग बात है, वरना वैदिक वाले पार्ट में जो हमने लिटरेचर पढ़ा है, जंगल बुक्स भी कहते हैं ना अरण्यक्स को। अरण्यकास आर आल्सो टेक्स्ट्स अटैच्ड टू द उपनिषद्स। अच्छा, पहली स्टेटमेंट ये है कि क्या ये उपनिषद से अटैच्ड है? दे आर सेट टू बी कंपाइलेशन ऑफ रिचुअलिस्टिक इंफॉर्मेशन ऑन द बर्थ एंड डेथ साइकिल्स एज वेल एज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है भाई, दे आर अटैच्ड टू वेदास नॉट टू उपनिषद्स। वेदास से अटैच है, नॉट उपनिषद्स। सेकंड स्टेटमेंट सही है। ये एक तरह से भाई ये जो है ना मिस्टिकल बातें जो हैं, मेटाफिजिकल जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हैं, इसका जो है भाई वो टू ओनली है सही। ठीक है, लवप्रीत पी के डी नहीं है आंसर, बी आंसर है इसका, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देखिए अरण्यक्स में ऐसा नहीं है कि रिचुअलिस्टिक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही नहीं है। जैसे आप वेदा से उपनिषद की तरफ मूव करते हैं रिचुअलिज्म कम होता जाता है लेकिन कंप्लीटली ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद हैज कंप्लीट डिटेल्स और कॉन्सेप्ट अबाउट फोर आश्रम्स। अच्छा, फोर आश्रम्स के बारे में क्या पता है आपको? क्या थे ये फोर आश्रम्स, चार आश्रम क्या हैं, ये बताएगा कोई? ब्रह्मचार्य आश्रम, उसके बाद कौन सा आश्रम आता है? पहला मैंने बता दिया ब्रह्मचार्य। गृहस्थ आश्रम, फिर आता है आपका कौन सा, बताइए कोई तो बताइए, दो मैंने बता दिए। वानप्रस्थ और उसके बाद है सन्यास। ये चार आश्रम्स की जो डिटेल है आपको कौन से उपनिषद में दिखाई देती है? मुश्किल वाला सवाल ही है अगर किसी ने पहले नहीं पढ़ा तो, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा बारीक उसमें चले गए हैं, लेकिन सवाल बनता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्योंकि टॉपिक है। बताइए भाई। अच्छा, उपनिषद का जो वर्ड है उपनिषद, इसका मतलब तो आपको पता है ना क्या होता है? ठीक है, आंसर तो जबला उपनिषद ही है, सी शायद आपने कहा। ठीक है, आंसर तो यही है। अच्छा, लवप्रीत कह रहा है 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। चलो आप इस तरह से कहते हो तो ठीक है, लेकिन इसका ईयर से तो कोई लेना देना नहीं है। आपने 100 साल फिक्स कर दी एज इंसान की, इससे पहले तो इससे ज़्यादा भी जी जाते थे। ठीक है, चलो कोई गल नहीं, समझ आनी चाहिए बात। उपनिषद का मतलब होता है कि किसी के नज़दीक बैठकर या बना पैरों में बैठकर ज्ञान लेना। सिट नियर टू समवन लाइक गुरु गेट सीक्रेट नॉलेज। ठीक है बात, तो जबला उपनिषद में ही है इन चार आश्रम। ब्रह्मचार्य जिसमें आप पढ़ाई करते हैं, गृहस्थ आश्रम जिसमें आप अपना होमली जीवन व्यतीत करते हैं, वानप्रस्थ जब आप एक तरह से समाज में रहते हुए ही मैं कहूं कि सब त्याग कर देते हैं, और अल्टीमेटली है जब आप त्याग ही देते हैं समाज को भी और जंगल जंगल में चले जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, गुफाओं में बैठ जाते हैं जाके।
With reference to the differences between the culture of Rigvedic Aryans and Indus Valley people, which of the following statements is or are correct? मुश्किल सवाल में आएगा तो ये करिए फिर पढ़िए इसको. सॉरी, जो नहीं इसका आंसर कर पा रहे वो ये सुने या ये करें. एक स्टेटमेंट ऐसी है ये सेकंड वाली, जो भाई जिसने इंडस वैली को ठीक ठाक ढंग से पढ़ा है ना वो इसको कर सकता है. क्यों? इंडस वैली के लोगों को आयरन की नॉलेज नहीं थी, ये हमने पढ़ा है, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा है. तो ये स्टेटमेंट गलत है. अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो करेक्ट हमने ढूंढनी थी, ये गया ये गया. एक सही है ही है, इसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं. थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ लो. तो लेक्चर में तो मैंने बताया था कि ये जो है भाई कोई एविडेंस उतना पुख्ता है नहीं कि इंडस वैली के लोग हॉर्स को भी डोमेस्टिकेट करते थे, उसको यूज़ करते थे. ऋग्वेदिक आर्यंस के बारे में तो कोई शक है ही नहीं कि वो तो आए ही घोड़ों पे सवार हो गए थे हिंदुस्तान में, जो भी थ्योरी है ये. तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना. बोन्स तो मिली हैं एक जगह से कुछ इस तरह की के कई कहते हैं कि ये घोड़ा नहीं है ये गधा है. तो अब जब तक वही सेटल नहीं हो जाता कि ये बोन्स हैं किसकी, तो हम नहीं कुछ कर सकते. तब तक आंसर में 1 और 3 ही सही रहेगा. इंडस वैली के लोगों को घोड़े के बारे में नहीं था पता या यूज़ नहीं था, ये भी आप अभी नोट कर लें अगर किसी ने नहीं किया था पहले. ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट जानकारी. अच्छा, कोट ऑफ मेल क्या होता है? वो आपने देखा ना, वो जंजीरों से बना होता है, एक प्रोटेक्टिव आर्मर, ठीक है, पहन के, अकबर को पहन के देखा होगा आपने, वो भारी भरकम लोहे से बना हुआ बख्तर बंसा पहन के चलते हैं, फिर उसको बोलते हैं. Which of the following text is contemporary to Vedas? Easy सवाल है. हाँ, कवच कवच. Easy सवाल है, इससे easy तो ना होगा कोई. आंसर तो सारे सही कर रहे हैं. ठीक है, जेंड अवेस्ता. देखिए, एक पारसियों का रिलीजन है ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म.
उनका जो सबसे पुराना रिलीजियस ग्रंथ है वो है आपका जेंड अवेस्ता, जो अवेस्तन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और ये जो लैंग्वेज है इज़ वेरी सिमिलर टू द लैंग्वेज जिसमें ऋग्वेद, ठीक है, हमने लिखा है। और इसको लिखा था, ऑथर है, मान लिया जाता है ऑथर है ज़राथुस्त्रा। तो ये इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है। जेंड जो है ईरानियन ग्रंथ, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म रिलीजन का सबसे पुराना रिलीजियस ग्रंथ है। अवेस्टन लैंग्वेज ये काफ़ी मिलती जुलती है, जिसमें ऋग्वेद लिखा हुआ है। और ज़राथुस्त्रा कोई इनका है बहुत कोई बड़ा, ठीक है, ऋषि मुनि ऐसे मान लो आप, उसने लिखा है, ठीक है ना। काफ़ी इंद्रदेव का भी जैसे कि जिक्र आता हो जेंडा में, ये है पढ़ने को। गविष्ठी ऋग्वेद में एक टर्म आती है, क्या मतलब है इसका गविष्ठी? काओ वॉर वीट लैंड, पता होगा ये तो सबको। गविष्टि का मतलब ना वॉर होता है, वॉर फॉर काउज, वॉर फॉर काउज, ठीक है। अरे काओ को तो गाय या गऊ कहेंगे, ठीक है, उसको क्यों आप तोड़ मरोड़ रहे हो? गऊ से गाय से बहुत सारे शब्द बने हैं ना वैदिक सोसाइटी के अंदर जो यूज हो रहे थे, उसमें से एक था गविष्टि, वॉर फॉर काउस, ठीक है। क्योंकि अर्ली वैदिक में तो जो लड़ाइयाँ होती थी वो गाय के लिए, कैटल वेल्थ के लिए ही होती थी, तो उसको फिर हम बोलते थे गविष्ठी, ठीक है। और भी बहुत सारी टर्म हैं जो गाय के उसको जोड़कर यूज होती हैं। नहीं, वीट नहीं है, वॉर फॉर काउस है। Consider the following statements. During early Vedic period, there are evidences of child marriage. Widow remarriage was not known during this time. Important question है, लेकिन easy है। Important है, लेकिन easy है। क्या आंसर कर रहे हैं भाई? अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं नेदर वन नॉट टू, मतलब चाइल्ड मैरिज के एविडेंसेस नहीं है आपके मुताबिक। और साथ में आप ये कह रहे हैं कि विडो री मैरिज नहीं होती थी, ऐसा ही कह रहे हैं? नहीं भाई, ये स्टेटमेंट तो गलत है, बिकॉज देयर इज लिटिल एविडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज, नहीं है, ठीक है, चाइल्ड मैरिज के सबूत। लेकिन विडोरी मैरिज नहीं होती थी, ये बात सही नहीं है। अर्ली वैदिक सोसाइटी में विडो की री मैरिज को लेकर हमें कुछ सबूत मिलते हैं, ठीक है। आंसर है इसमें बी, करेक्ट स्टेटमेंट। नहीं नहीं, कोई भी नहीं, अच्छा सही है भाई आंसर फिर तो तुम्हारा। नीदर वन नॉट टू, नीदर वन नॉट टू, ठीक है आपका आंसर, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। विडोरी मैरिज होती थी, मतलब नॉट नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए स्टेटमेंट गलत है। हाँ नहीं नहीं, मैं ही कंफ्यूज हो गया, ठीक है, मुझे लगा कि यहाँ लिखा है कि नोन है। चलो ठीक है, आंसर आपका विडो री मैरिज होती थी,
चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, बस ऐसा आपको याद कर लेना है। ठीक, लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धिज्म में ये क्या संप्रदाय सारे हैं? देखिए, समझो, सबसे पहले जो डिफरेंसेस निकले बुद्धिस्ट, बुद्धा के जाने के बाद जो भी बुद्धिस्ट भिक्षु थे, स्कॉलर्स थे, स्थविरावादिन्स और महासंघिकास, जिसमें से महायान और हीनयान वो आए। ठीक है, तो ये दो तो है ही हैं, महासंघिका स्थविरवादिन, इसी में से ही आप समझो कि निकले हैं। ठीक है, स्थविरवादिन से महायान और महासंघिका जो थे वो हो गए आपके हीनयान। ठीक है, और स्रवस्तीवादिन जो हैं भाई, ये भी एक सेक्ट है विद इन बुद्धिज्म, तीनों ही हैं ये। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस है उसके ऊपर सवाल अलग बनते हैं। जैसे महायान और हीनयान को लेकर डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, ठीक है, ग्रेटर साइकिल लेसर साइकिल। महायान वाले जो हैं ये बोधिसत्व इसमें बिलीव करते हैं, बुद्धा का जो आइडल है उसको भी पूछते हैं, और इवन इनकी भाषा में संस्कृत का भी काफी यूज है। हीनयान में बोधिसत्व कंसेप्ट नहीं है, आइडल वर्शिप, बुद्धा का आइडल नहीं है, सिंबल्स की पूजा है, और ज़्यादा जो यूज है वो पाली का है। ठीक है, तो सेक्ट तो ये तीनों ही हैं। अब ये आगे फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस जो हैं ये आगे और क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है ना, तीनों ही हैं। आगे चलकर स्रवस्तीवादिन्स भी हैं, ठीक है, वो भी हमें दिखाई देते हैं। सर्वस्तीवादिन्स मतलब सभी चीज़ों की एग्जिस्टेंस है, सर्व मतलब ऑल, अस्ति मतलब एग्जिस्टेंस, इस तरह के डिफरेंसेस हैं। चलो अभी तो नहीं हम इस पर बात करेंगे, ना ही ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा तो आपको पता होना चाहिए महायान और हीनयान के बारे में। तीसरा है वज्रयान, तिब्बतन बुद्धिज्म, उसके भी फर्दर स्कूल्स हैं। अब यूं तो 200 सेक्ट्स हैं बुद्धिज्म के अंदर, ठीक है, हमें तो नहीं सारे करने, मेन हमें पता होने चाहिए। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड थेरावाद त्रिपिटक एज ए नेशनल हेरिटेज? कोई ग्रंथ है थेरावाद त्रिपिटक। अब त्रिपिटक तो आपको पता ही है क्या होता है भाई, पीतक का मतलब होता है बास्केट, है ना, फूलों से भरी हुई बास्केट। त्रि मतलब तीन, देर आर थ्री पीतक्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के तीन पीतक्स हैं, सूत पीतक, अभिधम पीतक, और एक और है विनय पीतक। विनय भिक्षुओं की जिंदगी के ऊपर है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर। सूत पीतक आम जनता के लिए कुछ मॉरल लेसन्स हैं फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा, जातक स्टोरीज आल्सो पार्ट ऑफ दैट पीतक, और अभिधम पीतक है फिलोसॉफिकल, ठीक है, जानकारी बुद्धिज्म को लेके। खैर, थेरावाद त्रिपीतक को नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर किया है श्रीलंका ने।
ठीक है ना, ठीक है ठीक है। लवप्रीत यान को सुधारवादी और हीन यान को रूढ़ीवादी है, लेकिन ऐसा है नहीं। कोई रूढ़ीवादी या कोई सुधारवादी की बात महायान या हीन यान को लेकर है ही नहीं। उल्टा हीन यान तुम्हें ज़्यादा बेटर नज़र आएगा अगर तुम बुद्धा को उसकी फिलॉसफी को ज़्यादा बेहतर समझो, ठीक है। ये तो जानबूझकर जो था महायान वाले, उन्होंने पुराने बंदों को हीन यान का, हीन का मतलब होता है ना नीच वाले, हीन भावना, नीच भावना। तो ठीक है, किताबों में ऐसे लिखा आता है सुधारवादी या रूढ़ीवादी, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। थेरावाद और त्रिपिटक श्रीलंका ने नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर किया है। और याद रखना, त्रिपिटक बुद्धिज्म का जो कैनोनिकल लिटरेचर है, रिलीजियस ग्रंथ है, वो मेनली तीन पीतक ही हैं, सूत पीतक, विनय पीतक और अभिधम्म पीतक, अभिधम्म पीतक, ठीक। चलिए, बुद्धिस्ट स्कूल्स ऑफ थॉट इनमें से कौन कौन से हैं? महायान, हीनयान, वज्रयान, तंत्रयान, सहज्ययान। अब इसमें से कई तो आपको अभी पता ही है, महायान, हीनयान, वज्रयान तो है ही है, 1, 2, 3 तो है ही है, लेकिन 1, 2, 3 चारों ऑप्शंस में ही है। बताइए भैया, तंत्रयान, वज्रयान से ही मुझे लगता है तंत्रयान, और ये सहज्ययान, ये सारे ही हैं, ठीक है। जो ये तीनों है ना आखिरी के, ये इसमें तंत्र ही है सेंटर में, तंत्रिज्म, ठीक है। और सहज्य बुद्धिस्ट बंगाल के एरिया में, ठीक है। आगे आपने पढ़ा होगा चैतन्य महाप्रभु, पढ़ा है ना, बंगाल में चैतन्य भक्ति सेंट थे, बहुत मशहूर। तो सहज्या बुद्धिज्म से प्रेरित हुए हैं बंगाल में वैष्णविज्म। ये पांचों के पांचों ही हैं बुद्धिज्म के डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, ठीक है। पांचों के पांचों ही हैं, ठीक है ना। ये ज़्यादा जो है, ये श्रीलंका, हीनयान, वज्रयान तिब्बत, और ये तिब्बत है, इंडिया है, ठीक है। सहज्या वाले बंगाल में है, तो ये है। महायान वाले भी हैं भाई, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज निगंथ नाथ पुत्र, निगंथ नाथ पुत्र, निगंथ, महावीर, बिल्कुल सही है, महावीर। निग्रंथ या निग्रंथ, देखिए ऐसी जो टर्मिनोलॉजी है ना, महावीर के बारे में किसने यूज किया है इस शब्द को, बुद्धिस्ट ग्रंथों के अंदर, जो बुद्धिस्ट ग्रंथ हैं उनके अंदर महावीर को निगंथ नाथ पुत्र कहा जाता है, जिसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल वर्ल्डली बॉन्ड्स, फ्री फ्रॉम बॉन्ड, जिसकी आत्मा मुक्त हो गई है,
ठीक है ना, उसको बोलते हैं निगंथ नाथ पुत्र। दिगंबर श्वेतांबर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इजी क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी जिसको ये सवाल नहीं आ रहे, मतलब अगर 50% से भी कम किसी को इसमें से आते हैं तो उसकी तैयारी में ज़्यादा कमी है, उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। खाली MCQ करके उनका काम नहीं चलने वाला, इसमें से अगर 50% से कम आ रहा है स्कोर किसी का। अब मैं देख रहा हूँ कि लवप्रीत है, PK है, इनका स्कोर बहुत अच्छा चल रहा है, तो शाबाश भाई, अच्छी तैयारी तुम कर रहे हो, लगे रहो इसी तरह से। ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर जो है वो जैनिज्म के ही दो सेक्ट हैं। दिगंबर होते हैं जो नेक्ड, जो कपड़े नहीं पहनते, श्वेतांबर होते हैं जो वाइट क्लोथ, श्वेत का मतलब ही ठीक है वाइट है, वाइट क्लोथ पहनते हैं। तो ये बात है मगध एम्पायर में बहुत जब भयानक काल पड़ा, तो जो भी फिर ये जैन भिक्षु थे उसमें से आधे साउथ को चले गए, ताकि जो भी प्योरिटी है ठीक है धर्म की वो बचाई जा सके, उसी तरह से जिंदगी को जिया जाए जैसे महावीर बोल के गए हैं। तो दिगंबर जो थे वो भद्रबाहु के लीडरशिप में साउथ चले गए कर्नाटका की तरफ, ठीक है, और जो वहीं रहे उन्होंने टाइम से कुछ तब्दीलियां कर ली और सफ़ेद कपड़े पहनने शुरू कर दिए। इनका लीडर था स्थूलाबाहु। तो ये कहानी है कि किस तरह जैनिज्म में दो फाड़ हो गए, ठीक है, डिवीजन हो गई। ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी धर्म हो दुनिया का ही हो, तो जब मेन उसका जो प्रॉफिट है ठीक है उसकी जब डेथ हो जाए, तो उसके बाद फिर चेले जो होते हैं, जो आगे आने के वाले स्कॉलर्स हैं, वो अपनी अपनी तरह से फिर एक्सप्लेन करते हैं अपने प्रॉफिट की गाइडलाइंस को। तो ये तो नेचुरल है कि डिविजन्स हो ही जाती हैं। क्रिश्चियनिटी में बहुत हैं, इस्लाम में बहुत हैं, बुद्धिज़्म में, जैनिज़्म में, हिंदुइज़्म में, सब में ही है, ठीक है। तो ये प्रोग्रेस ही दिखाता है, ये कोई वो नहीं है कि ठीक है ना, ह्यूमन इंटेलेक्ट की प्रोग्रेस ही है, सोचना थोड़ी बंद कर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट त्री रत्न ऑफ जैनिज्म, ठीक है, जैनिज्म का त्री रत्न है, उसमें से इनमें से क्या नहीं है? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। डी, बिल्कुल सही है, राइट लाइवलीहुड इसमें नहीं आता, ठीक है ना, ये तीनों आते हैं जैनिज्म के तीन रत्न, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। राइट फेथ का मतलब है कि जो भाई बोल के गए हैं तीर्थंकर, विश्वास करो उनकी बातों पे और समझो और फिर उसके मुताबिक ज़िंदगी जियो, ठीक है ना। सारनाथ पिल्लर जो है ठीक है, उसके एबकस में क्या क्या दिखाई देता है? हॉर्स, एलिफेंट, राइनो, टाइगर। इजी सवाल है ये भी, हॉर्स, एलिफेंट, राइनो, टाइगर। राइट लाइवलीहुड नहीं है, ठीक है ठीक है, सारनाथ पिलर वाला आंसर करो भाई, स्क्रीन आपके सामने है। हॉर्स, एलिफेंट, राइनो, टाइगर, जल्दी आंसर करो, इतना तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए। सारनाथ पिलर है यार, कोई बाहर क्या तो कोई बात ही नहीं है। 1 and 2 ठीक किया, फिर टाइम तो लिया पर आंसर ठीक किया, 1 and 2 ही है, ना राइनो है ना टाइगर है। क्या है इसकी जगह?
पीके आंसर तो सही है, लेकिन इनकी जगह है क्या? चार चीजें हैं, बुल है और लायन है, चार चीजें हैं याद रखना, ठीक है। हॉर्स, एलिफेंट, बुल एंड लायन, ठीक। यस, चलो फिर आगे। अगर इतनी बारीक नॉलेज भी कोई लेके बैठा है ना आप में, उसका फिर पेपर नहीं रहने वाला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट नरेट्स चंद्रगुप्ता'स एक्सेशन टू द थ्रोन ऑफ मगध? इनमें से कौन सा लिटरेरी वर्क चंद्रगुप्त का गद्दी पर बैठने का जो भी वो कोई सीन है, ठीक है, उसको फिर वो उसमें लिखा रहता है, ये लिखा हुआ है। मुद्रा, राक्षस, इंडिका, अर्थशास्त्र, दीप वंश। नहीं, इंडिका नहीं है यार, इंडिका नहीं है, नो। मैगस्थनीज ने लिखी थी, जो ग्रीक एम्बेसडर था उसने लिखी थी इंडिका, बट इंडिका आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का। मुद्रा राक्षस इसका आंसर है, रिटन बाय विशाखदत्त, ठीक है ना। राक्षस धनानंद का कोई मंत्री था, मुद्रा वो रिंग थी जो पहनता था उसको, फिर वो कहानी है कि किस तरह चाणक्य और चंद्रगुप्त ने धनानंद को फिर हराया, उसके अंदर है ना साम दाम दंड भेद लगाकर गद्दी पे बैठ गया। मुद्रा राक्षस जो है भाई वो लिटरेरी वर्क है विशाखदत्त का, जिसमें आपको मौर्य एम्पायर के बारे में ठीक ठाक जानकारी मिलती है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर, ठीक है ना। इंडिका में भी आपको पाटलिपुत्र जो सिटी है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र चाणक्य विष्णुगुप्त ने लिखी, कौटिल्या वो तो एक तरह का एक गाइडलाइंस हैं कि किस तरह से आप स्टेट को चलाएं। दीप वंश एक श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है, इसमें अशोका के बारे में काफ़ी जानकारी रहती है, ठीक है। आगे आएंगे सवाल कोई ना कोई। ग्रीक हिस्टोरियंस हैव रिकॉर्डेड द नेम सेंड्रोकॉटस और सेंड्राकोपटस फॉर हु अमंग द फॉलोइंग? कौटिल्या, नंदास, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका। इजी सवाल है कि ग्रीक्स इनमें से किसको सेंड्रोकॉटस बोलते थे या सेंड्राकोपटस, सेंड्राकोपटस। अरे नाम से पता चल जाएगा, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेंड्रोको ऐसा कुछ तुक्का सा मारते होंगे, बोला नहीं जाता होगा ना चंद्रगुप्त उनसे। हथे गुम्फा इंस्क्रिप्शन, कलिंगा का राजा है खरावेला, उसके बारे में बताती है, कहाँ पे है? कलिंग उड़ीसा, खरावेला जिसने जैन धर्म को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित किया, सेवा की। उदयगिरी केव्स, आंसर है उदयगिरी केव्स, ठीक। हथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब अशोका का नाम तो सभी जानते हैं कि बुद्ध की बहुत सेवा की, बुद्धिज्म की बहुत सेवा की, खरावेला के बारे में कम लोग जानते हैं, ये भी बहुत पहुंची हुई चीज़ थी, बढ़िया राजा था कहने का मतलब है, और जैन धर्म की बहुत सेवा की, और उदयगिरी केव्स में जैनों के लिए है ना रेस्ट हाउसेस बनवाए, मंदिर वगैरह बनवाए होंगे, और हथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में ये काफ़ी कुछ जो है बातें लिखी हुई हैं। ये है सवाल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन्ड एट द टाइम ऑफ अशोका वॉज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस?
पाटलिपुत्र, बिल्कुल सही है। हमें चार की चार काउंसिल के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है। पहली, दूजी, तीजी, चौथी कहाँ हुई, कौन राजा था, ईयर कौन सा है और उसका रिजल्ट क्या निकला, ठीक है। आप सब लोगों के पास ऐसा एक चार्ट होगा, टेबल होगा, करिए। क्योंकि मुश्किल सवालों में मैं स्टेटमेंट्स बनाऊंगा चारों बुद्धिस्ट काउंसिल्स को लेकर। बराबर केव्स या बराबर केव्स कार्व्ड आउट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ किंग अशोका वर फॉर द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स। बहुत सारे तो बंदे बुद्धिस्ट को लगाएंगे क्योंकि अशोक बुद्धिज्म, लेकिन बुद्धिज्म आंसर नहीं है, बुद्धिज्म आंसर नहीं है। इन तीनों में से है कोई जिसके लिए अशोक ने बराबर केव्स में, ठीक है, सबसे मशहूर है बराबर केव्स में लोमास ऋषि केव, बताइए किस धर्म के अनुयायियों के लिए बनाया। आजीविकास, बिल्कुल सही है, आजीविकास के लिए बनवाई थी बराबर केव्स, लिखो, ठीक है। अब आजीविका सेक्ट के बारे में पता होना चाहिए हमें कुछ ना कुछ तो। ठीक है, कोई नहीं, आएंगे सवाल। बिहार बोध गया, ठीक है, बोध गया से कोई 30-40 किलोमीटर दूर है आपके बराबर केव्स। विच अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरिकल क्रॉनिकल इन पाली फ्रॉम श्रीलंका सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न पीरियड। अभी मैं बता के गया हूँ, आंसर या तो इसमें से है या इसमें से है, क्योंकि श्रीलंका के ग्रंथ तो महावंश हैं और दीपवंश हैं। मुखाली गोशाल, ठीक है, श्रीलंकन ग्रंथ, यूं तो दोनों ही हैं, लेकिन इसमें से तो आंसर अब आप दीपवंश करोगे और मुझे कहोगे अभी गलत बता दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं है, लेकिन ज्यादा इंफॉर्मेशन महावंश में ही है। ये पाली में लिखे गए हैं, पाली में लिखे गए, श्रीलंका के ग्रंथ हैं दोनों ही, ठीक है। ज्यादा जानकारी महावंश में ही है, दीपवंश में, मतलब दीपवंश उतना इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी है, ज्यादा महावंश ही है, ठीक है। तो आपको पूछ लिया जाता है कि श्रीलंकन ग्रंथ कौन से हैं, दीपवंश महावंश दोनों हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी महावंश में ही है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रीजन, प्रेजेंस ऑफ आयरन माइंस, प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट्स, एम्बिशियस किंग्स, विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट्स आर द रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ मगध पावर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्या क्या मगध के राइज का जिम्मेदार है या रीजन है इसकी ग्रोथ के लिए। इसमें तो कोई शक नहीं कि आयरन और माइंस और विजनरी एम्बिशियस किंग्स मिले इस मगध को, दो और चार सब में हो ऐसा आंसर होना चाहिए। या तो आंसर ये बनेगा या ये बनेगा या ये बनेगा, इसमें चार नहीं है तो ये तो नहीं बनेगा। एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रीजन, पानी बहुत था, ठीक है, गैजेंटिक प्लेन है, आंसर तो चारों ही है भाई, ऑल आर राइट्स, ठीक है। पीके, मनप्रीत, चारों ही हैं, ठीक है ना। एक और आप ऐड कर सकते हैं, जो मगध की राजधानी थी ना, राजगृह, ठीक है ना, तो ये ना
चारों तरफ से ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई थी और फिर हमला करना तो बड़ा मुश्किल था। आप बोल सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ मगध इज ऑल्सो द रीज़न फॉर दी ग्रोथ ऑफ मगध एम्पायर। इसको जीतना इतना मुश्किल नहीं था, ज्योग्राफिकल एडवांटेज भी थी, रिसोर्स बहुत था, आयरन माइंस थी, हथियार बना रहे थे, ठीक है ना। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कंटेम्प्रेरी टू बुद्धा, बुद्ध का कंटेम्प्रेरी इनमें से कौन है? बिंबिसार, ठीक है। अशोका बहुत बाद में आया, बिंदुसार तो मनप्रीत क्या बोल रहे हो तुम, बुद्धा का जन्म है 563 BC और 480 BC के आसपास, कहीं अराउंड 480। और अशोका का टाइम पीरियड कब है? ये है तकरीबन 273 से 200 होगा, ये कोई 20-30 तक, ठीक है, ये टाइम पीरियड है उसका, तो फ़र्क ही बहुत है, 200 साल का फ़र्क है। बिंदुसार तो फिर अशोक के ही नज़दीक है, पिता ही तो था, ठीक है। अजात शत्रु जो था वो बिंबिसार के बाद आया था, ठीक है, बट आंसर इज बिंबिसार। बिंबिसार अजात शत्रु हरियांका डायनेस्टी के थे, ठीक है ना। आप कह रहे हैं दोनों ही थे, बी और सी। अच्छा, अजात शत्रु के बारे में मैं कंफर्म कर लेता हूँ, दोबारा देख लेते हैं। बिंबिसार तो है ही है, ठीक है, ठीक है लवप्रीत, कोई गल नहीं, इफ़ यू बिलीव के दोनों ही थे तो देख लेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ एम्पायर्स इज करेक्ट, एम्पायर्स को क्रोनोलॉजी में लगा दो। ये मगध के डायनेस्टीज हैं, मगध की डायनेस्टीज हैं, शिशु नागा नंदा मौर्य हरियांका। सबसे पहले कौन आया? हरियांका आए पहले, फिर शिशु नाग आए, फिर नंदा आए, फिर मौर्य आए। आंसर इज बी, आंसर इज बी। मौर्य के बाद कौन आए? सुंगा है ना, याद है ना, सुंगा, पुष्यमित्रा सुंगा, ठीक है। Which among the following played an important role in improving the methods of cultivation? Later Vedic से कहानी शुरू होती है। आंसर है आयरन, आंसर है आयरन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, झट से आंसर कर दिया, आयरन। Who among the following first deciphered the edicts of Emperor Ashoka? अशोका की इंस्क्रिप्शंस को सबसे पहले किसने डिसाइफर किया? अरे बड़ी जल्दी आंसर कर रहे हैं आप लोग, ठीक है बात। जेम्स प्रिंसेप 1837, पहले भी मैंने जिक्र किया है जेम्स प्रिंसेप का, भाई फेलो ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया, ठीक है। यस, वेरी राइट, वेरी राइट। पतंजलि किसके टाइम पीरियड में हुआ भाई? नोटेबल ग्रामेरियन, पतंजलि सिर्फ ग्रामेरियन ही तो नहीं, और तो भाई ये तो योग फिलॉसफी भी इन्हीं की है। पतंजलि किसका कंटेम्प्रेरी, किसके कंटेम्प्रेरी हैं पतंजलि ऋषि? पुष्यमित्रा सुंगा, देवभूति, सिमुका, मिलिंदा। इजी सवाल है, किया हुआ है। करेक्ट आंसर पुष्यमित्रा सुंगा, ठीक है ना। बृहद्रथ द लास्ट मौर्यन किंग, उसका कमांडर इन चीफ, अ ब्राह्मण कमांडर इन चीफ हु किल्ड बृहद्रथ एंड एंडेड मौर्यन डायनेस्टी एंड स्टार्टेड सुंगा डायनेस्टी, पुष्यमित्रा, ठीक है ना। हु परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ आल्सो,
अश्वमेध यज्ञ। द टर्म यवन प्रिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइसेस? यवन प्रिया ये भी क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है। यवन बेसिकली बोलते हैं ग्रीक्स को। ग्रीक्स को इसमें से कौन सा मसाला ज्यादा पसंद है? इलायची, सिनेमन, पेपर, क्लोव, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, ग्रीक्स को पेपर। बिल्कुल सही बात है, पेपर इज आल्सो नोन एज यवन प्रिया। यवन मतलब ग्रीक। ग्रीक लोगों को कौन सा मसाला ज्यादा प्रिय था? पेपर। दैट इज व्हाई पेपर नोन एज यवन प्रिया। विच इंडो ग्रीक किंग इज नोन एज एपोनिमस हीरो ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट? मिलिंदा पानो या मिलिंदा पीना? मिलिंदा पानो है, ठीक है, पीना नहीं, पानो करो आप, मिलिंदा पानो, मिलिंदा पानो या मिलिंदा पीना, ठीक है। डिमिट्रिस मिनेंडर, एंटीक्लिडस, यूथाइडेमस। मिलिंदा मिनेंडर को ही बोला गया है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, ठीक है। नागसेन, अब बुद्धिस्ट स्कॉलर, उसकी डिस्कशन है, डिबेट है मिलिंदा से। मिलिंदा के क्वेश्चंस हैं, नागसेन आंसर करता है। और जब मिलिंदा या मिनेंडर, जो भी ये ग्रीक राजा है, जब सेटिस्फाई हो जाता है तो कहते हैं कि फिर वो बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। ये है मिलिंदा पानो। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इंट्रोड्यूस्ड टर्बन, ट्यूनिक, ट्राउजर, हैवी लॉन्ग बूट्स एंड कोट्स? कुशांस, चेराज, मुगल्स, मौर्यंस। लॉन्ग कोट, लंबे बूट, मुगल्स नहीं, गलत है, भूल गए आप मनप्रीत, हमने क्लास में ये बातें की हुई हैं। मैंने आपको एक टूटा हुआ, एक तस्वीर थी जिसका धड़ नहीं था, चाइनीज स्वॉर्ड है हाथ में, लंबे से बूट हैं, लॉन्ग कोट पहना हुआ है, और कहते हैं कि वो कनिष्क का ही है और वो है कुशान। टर्बन, ट्यूनिक, लॉन्ग कोट, लॉन्ग बूट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय कुशानास, ठीक है, यूची ट्राइब फ्रॉम चाइना। बुद्ध चरित इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? बुद्ध चरित मतलब बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, रिटन बाय हु अमंग द फॉलोइंग? कनिष्क और अशोक तो है नहीं, क्यों, हमने पढ़ा इनके बारे में, तो अगर लिखा होता तो आ ही जाता। है ना? अश्वघोष बिल्कुल सही है, अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चरित, ठीक है ना। मनु जोशन जलालाबाद से हो, देर आर सो मैनी जलालाबाद, एक तो इंडिया में है अपने, एक अफगानिस्तान में है, एक बांग्लादेश में है, मजाक कर रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हेल्ड द टाइटल कविराज? कविराज किस राजा को बोलते थे? कविराज, हर्षवर्धन को, समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, घटोत्कच। अरे आप लोग आंसर कर लो, कौन कहाँ का है ये बाद में पूछते रहना आप, ठीक है। लवप्रीत तुम्हारा आंसर, समुद्रगुप्त को ही बोलते हैं कविराज,
ठीक है। समुद्रगुप्त क्या है कि गाने बजाने का भी थोड़ा उसको था, इंस्ट्रूमेंट बजाता था, ठीक है, वीणा। और समुद्रगुप्त की इंस्क्रिप्शन है कौन सी, बहुत ही मशहूर, जहाँ से हमें काफ़ी कुछ इसके बारे में बताएं, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, जो इसके कोर्ट पोएट हरि सेन ने लिखी है ना। चलो फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज एट द टाइम ऑफ गुप्तास। ये तो कहाँ निकला है इस तरह का सवाल, इरीगेशन के बारे में गुप्ता के जमाने की इंफॉर्मेशन कौन देता है हमें? नीतिसार, नारद स्मृति, पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, बृहस्पति स्मृति। नारद स्मृति आंसर है भाई इसका। ठीक है, इसके अंदर हमें गुप्ता के जमाने के कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी मिलती है, जहां से हम ये मतलब पता कर लेते हैं कि फ्लड्स को रोकने के लिए और उस पानी को इरिगेशन में इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या हो सकता था। ठीक है, तो ये नारद स्मृति है। हर्षा लॉस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर साउथ ऑफ इंडियाज, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देयर इज एन इंस्क्रिप्शन कॉल्ड आई होल इंस्क्रिप्शन रिटन बाय रवि कीर्ति। किसने हराया हर्षा को? पुलकेशिन दूजा। चालुक्य राजा था भाई, चालुक्यन किंग था पुलकेशिन दूजा, ठीक है, इसने हराया था। प्रिय दर्शिका रत्नावली नाग नंदवर रिटन बाय हुम? बाणभट्ट, कालिदास, जयदेव, हर्षा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रिय दर्शिका रत्नावली नाग नंद, बिल्कुल सही आंसर है हर्ष, हर्षवर्धन जो राजा था, ठीक है ना, अर्ली मिडिवल इंडिया। तो भाई यही है तीनों प्लेज जिसने लिखे हैं। आप एक काम करना, तीनों के बारे में या कम से कम नागनंद के बारे में विकिपीडिया से ज़रूर पढ़ना कि ये क्या था, और बड़ी आपको हैरानी होगी कि हर्षा वॉज एन इंटेलेक्चुअल ऑल्सो। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आखिरी क्वेश्चन है, द टर्म्स कुल यवपा एंड द्रोण वपा क्या है? ये गुप्ता पीरियड की बात है, मैं बता देता हूँ। चलो, गुप्ता पीरियड की बात है, दो टर्म्स पढ़ने को मिलती हैं, कुल्या वपा और द्रोण वपा। क्या है? मेजरमेंट ऑफ लैंड है, कोई सिक्के हैं, अर्बन लैंड की क्लासिफिकेशन है, या कोई रिलीजियस रिचुअल है? कुल्या वपा और द्रोण वपा, आंसर है ए, ये लैंड के मेजरमेंट की बात है, ठीक है, ना के भाई ना के कॉइन्स हैं ये, ठीक है। ए आंसर है मनप्रीत, ए मेजरमेंट ऑफ लैंड, गुप्ता पीरियड के टाइम की बात है।
कुल्या वप द्रोण वप, ठीक है ओके। तो मुझे तो लगता है कि यही आखिरी क्वेश्चन था, बिल्कुल इसके बाद कल और देखेंगे, ठीक है। थोड़े मुश्किल वाले सवाल ही देखेंगे, सिंस मतलब फ्रॉम इंडस वैली टू गुप्तास, क्योंकि यहाँ एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म होती है, इसके बाद तो फिर अर्ली मिडिवल शुरू होती है। हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। थैंक यू मनप्रीत, थैंक यू, मेरा काम आपने कर दिया, ठीक। तो आगे चलते हैं कल, जैसे कुछ टर्म्स आपको पहली बार सुनने में आई हो ना, तो थोड़ा गूगल कर लिया करें, दो चार फैक्ट्स उसके बारे में और भी पता चलेंगे, तो ये अच्छा ही रहेगा, ठीक है। कितने सारे सेक्ट्स के नाम आ गए बुद्धिज़्म में, स्कूल ऑफ थॉट भी आ गए, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा तो ठीक है पढ़ना ही है। चलो बढ़िया है, थैंक यू सो मच। तो कल मिलते हैं फिर, ठीक है।